अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो एक बहुत बड़ा मुल्क यूरोप के बीच में जो क्रॉस हो गया, पुल था जिसको ये तोड़ना चाहते थे,
is for you and for the young Muslim teachers to call the fourth generation war. It is a young Christian region apart from the one that Yugoslavia Muhammad India. Yugoslavia may have that the Hana Jandia by Pakar Bakar. Yugoslavia may be the one you guess that I have to Pakar Kate. Yugoslavia may sue for Papa Federal Bakar. Provincial economy may not pursue for Papa Pakar Bakar. वहां पर तमाम तक फसादों की ऑफर पकड़ने के बाद जब पूरी तरह कमजोर हो गया नेटो की फौजें लेकर दाखिल हो गया और फिर युगोस्लाविया को तोड़कर पांच छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम कर दिया। ये युगोस्लाविया डॉक्ट्रिन आज तुम्हारे पाकिस्तान पर ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा ताल्लुक किसी मसलक से हो फिर बता रहे हैं, मुसलमानों की किसी जमात से हो, मुसलमानों की किसी सियासी मजहबी जमात से, तुम पाकिस्तानी हो। जब हमारा दुश्मन हमें कत्ल करता है, जब मीना बाजार में पेशावर में मसूद कुशन और धमाके हुए, उन्होंने ये नहीं देखा था तुम किस जमात से ताल्लुक रखते हो।
उन रिएक्टिव सुपर पावर के खिलाफ अफगानिस्तान की वादियों में हमारे जैसे बच्चों के साथ जिहाद कर रहे थे। मेरे बच्चों, सोवियत फौजें पिछले 300 साल से मुसलमान सिद्धों में आत्मों में समर्थन बुखारा ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान पर कब्जा करती हुई अफगानिस्तान को रोकती हुई पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंची थी। सोवियत टैंक यहां से 30 किलोमीटर दूर दूर हम पर खड़े हुए थे। अगर आपको यह अंदाजा हो सका, हम बड़ा चनार के पास सरहदी इलाकों में पातिया में पाकिदा में उर्दू में कुनर की तरफ इन तमाम सरहदी इलाकों के ऊपर जो आखिरी चट्टान होती आखिरी पहाड़ी दस्ता होता उस पर हत्याबल के ऊपर पाकिस्तानी दस्ते हुआ करते थे। और मेरे बच्चों मांगे देखते थे हमको सोवियत फौजें नजर आती थी, पीछे देखते थे पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा परचम लगा रहा होता था और हमको मालूम था कि अगर आखिरी रिच आखिरी पहाड़ी चोटी भी सोवियत ने कैप्चर कर ली फिर उनके टैंक पाकिस्तान में दाखिल होने से नहीं कोई भी रोक सकेगा। और अल्लाह की कसम हम बताते हैं तुमको आज कि वह हमारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी उम्र के मांस का फैसला करते थे कि हम अपनी जाने अपनी मां अपनी इज्जत अपने आप को कुर्बान कर देंगे, इस पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। अल्लाह ने उनकी तारीफ की, अल्लाह के रसूल का
कि अल्लाह के रसूल की सारा क्यों पर आया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 7 साल में अल्लाह ने इस पाकिस्तान का तोहफा हमें दिया। आओ बच्चों मैं तुम्हें बात बताऊं, खान अफ्तल्ला आज तुम क्या जगह पे मुख्तलिफ इलाकों में सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात की जाती है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के ऊपर खान अफ्तल्ला आपके तोते से इंटरव्यू लिया जा रहा था। इस पाकिस्तान की रूहानी डायमेंशन आपको बताते हैं, इस पाकिस्तान की मुखालफत करना, ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से काम है। आए आपको उसके वाकयात सुनाते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये मुल्क नहीं है, ये मदीना सानी है। ये वो मुल्क है जहां से जिसका मदीने की रियासत ने बुनियाद बनाया था, उस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को खालिद में वापस करने के लिए। इस वक्त ये पाकिस्तान को मिशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए सेलेक्ट किया गया, और जिस नस्ल को सेलेक्ट किया गया वो तुम लोग माशाल्लाह। खान अफ्तल्ला का पोता टीवी में कहता है, जब उसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल क्यों हुए 1947 में, अगर पाकिस्तान में शामिल ना हो गए अपनी सारी बातें ना करनी पड़ती। खान अफ्तल्ला का पोता पाकिस्तान टेलीविजन पर लाइव कहता है कि मेरे दादा खान अफ्तल्ला पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। मेरे बच्चों का भविष्य सुनो, गौर कर सुनो, क्या कहने वाले हैं। खान अफ्तल्ला का पोता कहता है कि मेरे दादा पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ख्वाब में उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हुजूर फरमाते हैं कि पाकिस्तान बन रहा है, रुकावट न डालना, फौरन शामिल हो जाओ उसके साथ। बहुत बड़े आदमी भी हैं जो कायदाजम के लिए दिल जिगर जान कुर्बान करके पाकिस्तान के दफा के लिए काम कर रहे थे। कायदाजम की नमाज जनाजा भी आपने पढ़ा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी से जब पूछा गया कि आप तो उलमा तो उस वक्त आमतौर पर कायदाजम की मुखालफत कर रहे थे सिवाय चंद उलमा के, पीर रहमान की शरीफ, पीर जमात अली शाह साहब, अशरफ अली खान भी साहब, उनसे लोगों से पूछा गया कि आप क्यों कायदाजम की हिमायत फरमा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि कायदाजम के विषय में मुखालफत किया करता था, लेकिन ख्वाब में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, कायदाजम साथ खड़े होते हैं, हुजूर कायदाजम की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि मेरा मुजाहिद ऐसी मुखालफत न करना। मोहतरम अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, अल्लाह के वली और दरवेश जो जाविया प्रोग्राम अपने टेलीविजन पर करते थे, अपने प्रोग्राम के बीच में फरमाते हैं, देखो ये पाकिस्तान सौले अलैहिस्सलाम की ऊंचनी की तरह है। सौले अलैहिस्सलाम की ऊंचनी जिस मोर्चे से बनी थी, मोर्चे से कायम थी, अल्लाह की निशानी के तौर पर इसको छोड़ दिया गया था। जो उसके साथ खैर करता था उसके साथ खैर होती थी, जो उसको नुकसान पहुंचाता था तब वह बर्बाद कर दिया जाता था। ये पाकिस्तान मेरे बच्चों सौले अलैहिस्सलाम की ऊंचनी। इस पाकिस्तान में आज जो फसाद तुम्हें नजर आ रहा है, लोगों के हकूक नहीं दिए जा रहे, अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, बिजली पानी गैस का बहरान, लोग बेचैन हो गए, जो दुख और जो तकलीफें करो इसकी वजह से ही तस्वरात लोगों के घरों में आते हैं, हम इस मुल्क को तोड़ दें, इस मुल्क में क्या दें। मेरे बच्चों जब हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान को बनाया था तो 50 लाख शोहदा की कुर्बानी दी थी, उन्होंने ये नहीं पूछा था ये पाकिस्तान हमें क्या देगा। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि हमें कुछ दे, वल्ला ये पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि हम सब कुछ कुर्बान करें। ये पाकिस्तान इस पाकिस्तान से हम नहीं करते। उस वक्त भी बदतरीन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, अभी इधर बैठे थे।
लेकिन आज ये अल्लाह के हुक्म से कायम हो चुका, इसको कायम रहने के लिए बनाया गया, इस उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू को महफूज बनाया गया मशरिक और मगरिब में। अगर आज उम्मत मुस्लिमा की आबरू है तो तुम्हारे इस पाकिस्तान की वजह से, इस सादत की वजह से कि अल्लाह ने तुमको शाम और इस पट्टी में पैदा किया, ये मदीना शान है। आप उनको ये बताएं कि आइंदा आने वाले पाकिस्तान को हम क्या बनाना चाहते हैं, तकमील पाकिस्तान का मकसद क्या इस पाकिस्तान में। मेरे बच्चों खिलाफत राष्ट्र के निजाम को देखो, सही उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को 22 लाख रुपया मिल के इलाके पर हुकूमत फरमाते, वो इलाका चंगेज खान की हुकूमत से ज्यादा बड़ा, सिकंदर की हुकूमत से ज्यादा बड़ा, नेपोलियन की हुकूमत से ज्यादा बड़ा, और उस 22 लाख रुपया मिल के इलाके में एक फसाद नहीं होगा, एक जुल्म नहीं होगा, एक औरत की बेबुलुकी नहीं होगी, एक दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। पूरे मुल्क में तमाम तवील अरसे के अंदर जो आबादी उस वक्त मुसलमान होती है, आज तक 14 साल के बाद तो तमाम खत्ते चीन से लेकर यूरोप तक आज मुसलमान है, जो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में मुसलमान हुए, उस वक्त सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में लोग ज़कात लेकर फिरते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम और पेपर करेंसी के निजाम की जगह रियल वेल्थ बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल, दर्द और पीना जिसकी बुनियाद सोने और चांदी के सिक्के पे थी, अदल और इंसाफ का यह आलम था कि सैयदना उमर फारूक से एक बुढ़िया सवाल कर सकती है, उमर हम आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक आप ये ना बताएं कि दो चादरें आपके पास कैसे आई जब हम सबको एक एक चादर मिली है। जब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जरूरत कम कर कर बॉडी आकर कम कर बैठते हैं, एक यहूदी के पास निकलती है, लेकिन खलीफा वक्त अदालत से रजू करते हैं, अपने सिपाही बेच के जरा नहीं मंगवाते, और अदालत का जज खलीफा वक्त के खिलाफ फैसला करता है कि खलीफा वक्त सबूत मुहैया नहीं कर पाते। ये अदल चाहिए हमें, हम इस अदल के लिए पाकिस्तान में लिए जिदोजहद कर रहे हैं। तकमील पाकिस्तान का मतलब यह है कि इसके बाद किसी बहन का दुपट्टा नहीं उतारा जाएगा, किसी शख्स को बेगुनाह सूझ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बात हम बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह का फैसला तकदीर लिखी जा चुकी है, इज्जत और आबरू दी जा चुकी है। जिसने पाकिस्तान के राह में रुकावट डाली, पाकिस्तान में तो बंदा था पर क्या अल्लाह के फजल से जिसने रुकावट डाली रुस्वा, इस पाकिस्तान में अपना उरूज हासिल करना है तो करना है, रुकावट डालेगा रुस्वा होगा जैसे ये रुस्वा होकर निकाले गए थे।
इज्जत देता है, जिसने अल्लाह के रसूल की इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह दो जहानों में उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, जिसने इस पाकिस्तान पर अपना बल मन धन कुर्बान कर दिया, दो जहानों में अल्लाह उसके रसूल का महबूब है इंशा। मेरे बच्चों एक बात फिर याद रखो, इस मुल्क में कोई फसाद का दीवार पर रखना, चाहे जो मर्जी गुस्सा तुम्हें आए, जिस पर मर्जी हुकूमत पर गुस्सा है या आपस में किसी से इख्तलाफ हो जाए, एक कार नहीं जलाना, एक शीशा नहीं तोड़ना, एक बिजली का पोल बल्ब नहीं तोड़ना। ये जो कुछ इस पाकिस्तान में अल्लाह के रसूल की इमारत है, इस इमारत किस तरह हिफाजत करो जिस तरह अल्लाह के रसूल की इमारत की हिफाजत की जाती है। इस पाकिस्तान अपने अंदर तुम जज्बा पैदा करोगे, तुम अपने भाइयों को माफ करने के काबिल हो, दरगुजर करने के काबिल हो। याद रखो तुम उम्मत रसूल रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी फतह मक्का के बाद उससे पहले भी हमेशा माफ करते चले गए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बैतुल मक्दस शरीफ सलीबियों से फतह किया, उनके नाइट्स और उनके फौजों को माफ करते चले गए। ये हमारी सुन्नत है, जब हम किसी पर गालिब आते हैं तो तर्जुमा और माफी का रास्ता अख्तियार करते हैं। इस तरीके को भविष्य कभी तब्दील न करना।
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह की कसम खा के कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस पैगाम को आपने दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है। अब हम आपसे इस प्यार और इस मोहब्बत को इस गुफ्तगू को थोड़ी सी बात को पसंद करते हैं। यहाँ पे इंशाअल्लाह नमाज के वक्त के बाद दोबारा आएंगे और सवाल जवाब की विशेष चोटी से करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको इज्जत और आबरू दे। सवाल ये किया बेटे ने कि आपकी सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग की, लेकिन 9/11 के बाद जब मुशर्रफ की हुकूमत ने यू टर्न लिया और पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो गई और हमने अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए जब अफगानिस्तान हमारे लिए एक दोस्त मुल्क की हैसियत से नहीं बल्कि एक दुश्मन मुल्क की हैसियत से। बच्चों ये हमारी तारीख की गलती थी जो पिछले कई सालों में हो चुकी है। अब इस गलती को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की कौम को नौजवानों को यह फैसला करना है कि अफगानिस्तान में हाल के ऑपरेशन को रखना चाहते हैं या हाल को निकालना चाहते हैं।
हमारे जैसे ना तो फारसी बोलते हैं ना पश्तो बोलते हैं, ना उनके पास अफगान पासपोर्ट है, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान। और जब तक वो अफगानिस्तान में रहेंगे, याद रखिएगा अल्लामा इकबाल का एक शेर जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से आज के गांव में भी सक्रिय हुई सारी तारीख को दोहरा देता है। अगर आप सिर्फ इकबाल को पढ़ने इसीलिए मैं एम्फसाइज करते हैं, फरमाते हैं आसिया ये पैक करें आप लोगों के लिए, एशिया एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी का नाम है, मिलत है अफगान का पैक करते हैं, अफगानिस्तान की जो कौम है जो नेशन है उस पूरे पैकर में दिल की हैसियत रखती है। फसाद है वो फसाद है आसिया, अगर अफगानिस्तान में फसाद होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा, फसाद है वो फसाद है आसिया, वहां अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा। पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हमें अफगानिस्तान से फसाद को खत्म करना है। सबसे बड़ा फसाद वो है जो सात समंदर पार से आकर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के नौजवान जब तफ्तील पाकिस्तान का फैसला करेंगे तो ये भी फैसला करेंगे कि जिस तरह आपने सोवियत यूनियन को, वो सोवियत यूनियन जो कई सौ साल से पाकिस्तान तोड़ने के ख्वाब देखता हुआ पूरे हिंद की तरफ चलता हुआ आ रहा था, अल्लाह के फजल से वो हम पे कब्जा करना चाहता था, जिस तरह चेकोस्लोवाकिया पोलैंड यूगोस्लाविया दूसरे ममालिक में कब्जा किया, अल्लाह के फजल से आज हम अपनी जगह मौजूद है, उसका नाम निशान नहीं मिलता, टुकड़े टुकड़े हो गया, अल्लाह के फजल से अब यही सब कुछ हमारे अफगानिस्तान के लोग पूरी उम्मत मुस्लिमा की तलवार की धार है। एटी सी बात हम आपको बताते हैं, इसी पेशावर में जिस दौर में हम इस जहाज में शरीक थे, पूरी मुसलमान दुनिया से मुजाहिदीन इस पेशावर में आके बसते थे। पेशावर यूज्ड टू लुक लाइक अ सेंट्रल एशियन सिटी, उस पर ताजे अहमद काफे हजारा तुर्कमान पश्तून और फिर चेचेंस मलय मुसलमान यूरोपियन मुस्लिम अफ्रीकन अरब हिजाजी गैर हिजाजी अरबी अजमी तमाम मुसलमान पेशावर में आकर एक मकसद के साथ एक सड़क पे एक बैटलफील्ड पे एक खत अमल के ऊपर दस दस मुल्कों के मुसलमान एक साथ हाथ में हाथ देकर जाने को बात करते थे। ये हकूमत दिल्ली का मुकाबला था, इसी हकूमत के दिल्ली के मुकाबला को हमें दोबारा इस पाकिस्तान में पैदा करना है। किसी गांव में नस्ल के हो किसी सूबे से पैदा करते हो, हमारी नसीहत अपने नौजवानों के लिए एक जैसी है, इकबाल का शाहीन बनो, इकबाल के मर्द मोमिन बनो, वो मोमिन मोमिन आप बनो जो अल्लाह के दीन के लिए जिंदा रस्सी के लिए अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत रखते हैं। लेकिन माओ की जिम्मेदारी, बहनों बेटियों की जिम्मेदारी एक हद तक बढ़ सकते, इसलिए कि उनकी गोदों में एक असर पड़ती है। हम इन बच्चों से कहते हैं कि अपने आप को इसलिए तैयार करो कि तुमने आगे आने वाले उम्मत रसूल की नस्ल तैयार कर ली है। एक नस्ल तैयार करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत तरकीब होती है, लेकिन एक सफर बहुत मुख्तर हो जाता है अगर उस कौम की बेटियां की जिम्मेदारी उठा लें। मर्दों में बच्चियां बता देंगे मर्दों में बच्चियां कुर्बानियां भी हों, लेकिन आज तक मुसलमान मिलत मुसलमान कौम में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपनी माँ अपनी बहन अपनी बेटी की इज्जत की आबरू की हिफाजत न करना चाहे। और अगर माँ कहते हैं बेटियां उसको गैरत का खाना दें, उसके बाद कोई मुसलमान गैरत का मुजाहरा नहीं करता। हमारी बहनों बेटियों की इज्जत हमारे माशरे में हमारे दिलों में हमारे दीन में जिस तरह है जिस तरह हम उनका एहतराम करते हैं उसका तकाजा भी है कि उनकी जिम्मेदारी मर्दों से भी ज्यादा है कि आने वाली नस्लों के लिए आने वाले वक्तों में जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी हमारी बहनों बेटियों को देनी पड़ेगी हमारी माँ को देनी पड़ेगी उसके लिए हमें सलाम भी करते हैं उसके लिए उसे दरखास्त भी करते हैं कि तैयारी करें। आइंदा आने वाली नस्लें आपका इंतजार कर रही है। आप बैठे बैठे सवाल किया बच्चे कि क्या जमहूरियत के रास्ते शरीयत नाफिज हो सकती है। देखो बच्चे शरीयत को नाफिज करना सियासी निजाम का काम नहीं, उन लोगों का काम है कि जो सियासी निजाम के जरिए हुकूमत और इख्तियार और ताकत में आते हैं। पाकिस्तान ने 63 साल जमहूरियत और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का तमाशा देख लिया, ना डिक्टेटरशिप ने डिलीवर किया ना जमहूरियत ने डिलीवर किया, दोनों एक दूसरे को ताने देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों निजामों के नीचे जो कुफर का असल निजाम है, जो कुफर का इकोनॉमिक सिस्टम था, सूद और रिबा का निजाम जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे जंग किया है, जिसके साथ डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप सूद और रिबा का निजाम कैसे कायम रहा, अदली और जुडिशरी का निजाम जिसमें 30-30 साल गुजर जाते हैं लोगों के मुकदमात के मसले हल नहीं होते, जुल्म सितम का तूफान जो मुल्क में बचा हुआ है वो इसलिए कि मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं है। आज पाकिस्तान में दो सबसे बड़े इश्यू है जिसने पाकिस्तानी कौम को उनकी कमर को रोक के रखती है, एक दहशत गर्दी दूसरी खयानत करप्शन।
और पिछले 10 साल के अरसे में अदालती निजाम के जरिए ना तो किसी दहशतगर को सजाए मौत दी गई, ना किसी करप को सजाए मौत दी गई। जुडिशरी भी कोलैप्स कर चुकी है स्टैलिश का मुकाबला करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही सूद पे बना हुआ। अब मुझे बताओ ये अगर आपके रास्ता का निजाम सिस्टम के जरिए कैसे ना होगा। विल हैव टू ब्रिंग अ चेंज, लेकिन वो चेंज वायलेंस नहीं चाहते। अगर वायलेंस किया, फसाद किया, रेवोल्यूशन पर काम किया, खिलाफ पूरे से भी इस मुल्क को चोट लगेगी, दुश्मन के चारों तरफ से मुंह खोल कर बैठे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। जो पॉजिटिव तरीका, जो बेहतर तरीका है कि लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के वजूद में, रूह में इंकलाब, एक रूहानी इंकलाब पर पकड़े करें कि वो खुद तलब करेंगे कौन कि हम अपने ऊपर चाहते हैं कि अल्लाह का दीन नाफिस किया जाए। ये पैगाम सिर्फ नौजवानों में नहीं जा रहा, इस पाकिस्तान के कोने कोने में चप्पे चप्पे के साहब इख्तियार और इख्तियार लोगों के पास यह पैगाम पहुंच रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हमारा हर आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे हौसला उम्मीद रखो, अपने आप को मजबूत करो, अल्लाह का भरोसा नहीं करें। तूने मुझसे पूछी इमामत की हकीकत मुझसे,
खुदा तुझको मेरी तरह साहिब इसरार करे, वही अपने जमाने का इमाम ने पढ़ा जो तुझे हाजिर और मौजूद से पेशार करे, मौत के आने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार। हमारे लीडर, हमारे रोल मॉडल, हमारे सरबरा, हमारे रहबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी हम जो कोई कहोगे, जो कोई भी इस पाकिस्तान में रहता है, सैयदना खलीफा, खलीफा राशिद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के पास पढ़ जाते हैं तो खुदा की कृपा हुई, तो आपने क्या फरमाया, जब तक मैं अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलता हूँ मेरा साथ देना, जब मैं उसके रास्ते फटने लगा मुझे सीधा कर देना। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब से पूछा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते से हटूं तो तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली और कहा, ये करेंगे। सैयदना उमर ने कहा, अल्लाह का शुक्र मेरे दुनिया में काम मौजूद है जो मुझको अल्लाह के रास्ते पर रखने वाले, मेरे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा हुक्मरान किस तरह आता है, अगर इलेक्शन से आए, फौजी टेक ओवर से आए, इंकलाब के जरिए आता है, अल्लाह उसको तुम्हारे ऊपर नाफिस करता है, वो कैसे करोगा, ये मटीरियल बात है। बात यह है कि जब तक वो अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चल रहा है उसकी बात करना, जब वो हुक्म से हटने लगे उसको दुरुस्त करना, ना हटे फिर उस बात की जारी किसी और। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह की रहमत आ रही है तुम्हारे ऊपर, अपने आप को तैयार करो, तुम्हारा हक में ये बात करते हैं, अल्लाह की खुशखबरी हम तक पहुंचा दी गई है, अल्लाह उस कौम को रुसवा करने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह ने इज्जत पाकिस्तान के लिए लिखी है, इज्जत तुम्हारे लिए लिखी है, अपने रब की मर्जी को समझो, खुली के तर्जुमा हो जाओ, खुदा के राजदार हो जाओ। अभी समझ लो इस बात को कि अल्लाह ताला तो फैसले कर चुका है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया कुछ खुश नसीब हो गए, कुछ बदनसीब हो गए, जब पाकिस्तान को फैलाया जा रहा था कुछ खुश नसीब हो गए, कुछ बदनसीब हो गए, आज इस पाकिस्तान की तकनीक कमीशन उठाया गया है, कुछ खुश नसीब होंगे, कुछ बदनसीब होंगे, सिर्फ ये फिक्र करो कि तुम्हें अल्लाह ताला तारीख के तकदीर के उस दिन में रखे जो खुश नसीबों की है, जो अंबिया से तीन सौदा और सालेहीन की है, जो अल्लाह के वली उतर बैठे फकीरों की है, और उस जमात की है तो हिज्बुल्लाह है, और अल्लाह तुमको उस जमात से बचाए तो तो शैतान है। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, अब तुमसे इजाजत देते हैं, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।